हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए काबिल बाबा चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको रोज़ मिलती रहे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने ये बताऊंगा कि अपन घर बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं, वो भी अब सिर्फ अपने एक स्मार्टफोन की मदद से। क्योंकि स्मार्टफोन तो आज के टाइम में सबके पास होता है, तो अपन सिर्फ एक स्मार्टफोन की मदद से इजीली अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए अपन को कोई लैपटॉप कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैं अपना ये ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और इसमें आपको गूगल खोल लेना है। गूगल खोल लेना है और गूगल में आपको टाइप करना है यू टी आई पेन। यू टी आई पेन ओपन करने के बाद इसके होम पेज पे चले जाना है। ये UTIITSL इसके होम पेज पे जाएंगे अपन। तो इसका होम पेज ओपन करेंगे और इसके होम पेज में आपको मिल जाएगी बहुत सारे सर्विसेज। तो इस पर सर्विसेज पे क्लिक करना है। इसमें आपको दिख जाएगा ये पैन कार्ड ऑप्शन। पैन कार्ड में आपको पैन कार्ड बनाना है, तो फिर आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई पैन कार्ड। और अप्लाई पैन कार्ड करने के बाद इसमें आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, फॉर इंडियन सिटीजन, फॉर फॉरेन सिटीजन, करेक्शन पैन कार्ड में और ट्रैक पैन कार्ड। तो अपन को अप्लाई करना है इंडियन सिटीजन का, तो अप्लाई एज इंडियन सिटीजन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड फॉर्म नंबर 49A और अप्लाई एंड साइन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर और आधार। मतलब अपन इसमें आधार कार्ड की मदद से पैन कार्ड बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि मतलब इसमें और जब आधार की मदद से बताएंगे तो आपकी सारी डिटेल, मतलब आपका नेम, फ़ोटो, सिग्नेचर, एड्रेस प्रूफ वगैरह सब कुछ आपको वो आधार से ले लेगा। तो इसमें आपको मतलब कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मतलब आधार कार्ड, ये पैन कार्ड बनाने का सबसे फास्ट वे है। और ये फॉर्म नंबर 49, इसमें क्या होगा कि एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको सिंपली फिल करना ऑनलाइन बस। कि इसमें आधार कार्ड में क्या होगा कि आपकी फ़ोटो वगैरह सब वही आएगी, आधार कार्ड वाली, और आधार कार्ड वाली फ़ोटो कैसे ही वो आपको पता ही है। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्म नंबर 49 ये बेस्ट वे है पैन कार्ड बनाने का। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ फॉर्म नंबर 49 ये कैसे फिल करता है। देखिए दोस्तों, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अभी अपन ने UTI से बना रहे हैं और एक और भी ऐसे NSDL है, NSDL, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज है जिससे बना सकते हैं। बाकी ये UTI वाला बेस्ट वे है। तो चलिए अपन फॉर्म भरना, अभी इस फॉर्म को भरना कैसे मैं बता देता हूँ आपको। इस फॉर्म को भरने के लिए इसमें सबसे पहले आ रहा है कि स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, इसमें आ रहा है इंडिविजुअल। अब आपको ये पूछ रहा है कि मतलब आपको फॉर्म पैन कार्ड किसका बनाना है, किसी फॉर्म का बनाना है, किसी कंपनी का या फिर खुद का। तो अपन को तो खुद का बनाना है, तो फिर इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको सिर्फ ई पैन कार्ड चाहिए या फिर फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए। तो अपन को तो दोनों चाहिए, तो बहुत पे क्लिक इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, बहुत पे। इसके बाद ये इसमें आ रहा है कि ये एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर। तो ये किसी को पता नहीं होते, मुझे भी पता नहीं थे, तो ऑब्वियसली आपको भी पता नहीं होगा। तो इसको आप अभी खाली छोड़ दीजिए, मतलब खाली छोड़ना नहीं है, अभी भरेंगे। मतलब अपन जब एड्रेस फिल करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट होके फिल हो जाएंगे। तो अभी अपन आगे का प्रोसेस करते हैं। टाइटल में टाइटल लिख देंगे। अब मैं आपको कोई सा भी, जैसे इसमें लास्ट नेम लिखना है, एग्जांपल के तौर पे मैंने शर्मा लिख दिया, और फर्स्ट नेम राघव, RAGHAV राघव। मिडिल नेम कुछ है नहीं। अब ये पूछ रहा है कि नेम ऑन कार्ड, मतलब आपके कार्ड पे क्या नाम प्रिंट होगा। तो इस पर क्लिक कर देना एक बार। ये देखिए आ गया कि कार्ड पे राघव शर्मा प्रिंट होगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम, मतलब आपका कोई दूसरा नाम है मिट के ये मतलब कोई पेट नेम वगैरह। कुछ नहीं है, मेरा भी कुछ नहीं है, चलो छोड़ो। और जेंडर सेलेक्ट कर देंगे मेल, और इसके बाद ये क्या ऑप्शन, डेट ऑफ बर्थ। चलिए कोई से भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देते हैं। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी।
उसके बाद ये लास्ट नेम फादर्स का पूछ रहे हैं, तो इसमें लास्ट नेम लिख देंगे। लास्ट नेम गौरव लिखना है दोस्तों, ठीक है। ये फादर्स का नाम आ गया। यहाँ पे आप अपना मदर्स का नेम डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, भरना हो तो भरो, बाकी आप चौक खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप अपने पैन कार्ड पे किसका नाम प्रिंट कराना चाहते हो, अपने पापा का या मम्मी का। तो ऑब्वियसली सब पापा का प्रिंट कराते हैं, पापा का प्रिंट। इसमें ऑब्वियसली ऑप्शन दो है, जैसे देखिए फादर्स नेम और मदर्स नेम, तो फादर्स नेम ही आप टिक करके। इसके बाद आप अपना एड्रेस भर देना। तो चलिए मैं आपको एड्रेस बताता हूँ, रेजिडेंशियल एड्रेस बारह आदर्श नगर कोटा, ठीक है। इसके बाद ये नेम ऑफ प्रीमियर, और ये मतलब आपका जो भी एड्रेस है वो भर देना। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये टाउन सिटी, तो सिटी में कोटा भर दूंगा मैं। इसके बाद क्या पूछ रहा है, ये स्टेट, तो स्टेट सेलेक्ट कर दूंगा मैं राजस्थान। इसके बाद पूछ रहा है ये पिन कोड, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है पिन कोड, क्योंकि आपका एरिया कोड वगैरह सब जैसे डिटेक्ट होंगे मतलब। तो पिन कोड अभी डाल देते हैं अपन, इसे मैं जयपुर लिख देता हूँ क्योंकि पिन कोड जयपुर के हैं, ठीक है। और कंट्री इंडिया ही है। अब ये आपको पूछ रहा है ऑफिस एड्रेस, इसको आप इस पोर्शन को पूरा खाली छोड़ दीजिए। अब ये पूछ रहा है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो इसमें आप ये रेजिडेंस रखिए, ये देखिए आपने रेजिडेंस रखा ना, तो इसमें आपके सारे कोड आ गए। जैसे देखो जैसे आपने इसमें टिक किया, तो ये आपके एरिया कोड आ गया, एओ टाइप आ गया, रेंज कोड आ गया और एओ नंबर आ गया। अब आप इस पर ओके कर देंगे। अब देखिए ये ऑटोमेटिक फिल हो गए, एरिया कोड भी फिल हो गया, एओ टाइप फिल हो गया, रेंज कोड फिल हो गया और एओ नंबर भी फिल हो गया। बस इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। इसमें आपको ये अपना सिंपल सा टेलीफोन नंबर डाल देना है, इसमें ये टेलीफोन नंबर डाल देंगे आप एसटीडी को, ये टेलीफोन नंबर डालने की जरूरत, एसटीडी कोड डाल देना बाकी। और इसमें आपको ईमेल आईडी डाल देना, और इसमें मोबाइल नंबर डाल देना आपके ऊपर वाले पोर्शन में। फिर इसके बाद इसमें ये बोल रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम, तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो आप इसमें ये नो इनकम पे टिक कर देना, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहा है रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस, इसको आप खाली छोड़ देना, इसे आप इस पूरे पोर्शन को खाली छोड़ देना। इसके बाद आप बस सीधे ये 15 नंबर पे आ जाना कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने हैं आपको। तो आप इसमें पहले ये पूछ रहा है कि आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो आप ऐसा करना, इन तीनों में आप आधार सेलेक्ट कर देना। आधार पहले में, आधार दूसरे में, आधार तीसरे में, आधार तीनों में भी आधार चल जाएगा आपका, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ हो। अगर आधार नहीं हो, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे राशन कार्ड है, ये अपना वोटर कार्ड है, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, 10th की मार्कशीट है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, कुछ भी हो सकता है, देख लेना आप, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। इसके बाद ये पूछ रहे हैं वेरीफाई नेम, नेम तो वेरीफाई सही है अपना, देख लेना हम चेक कर लेना नेम। और इसके बाद पूछ रहा है ये डू यू हेयर बाय डिक्लेयर वॉट एवर स्टेट अबव इन द टू इन द कैपेसिटी ऑफ, मतलब ये पूछ रहा है कि आपने जो स्टेट भरा है वो सही है। तो इसमें आपको लिख देना है हिमसेल्फ या हर सेल्फ, ठीक है। और फिर इसके बाद वेरिफिकेशन प्लेस, मतलब आप कहाँ से भर रहे हो, तो यहाँ पे मैं भी जैसे जयपुर जयपुर सेलेक्ट कर देता हूँ, जयपुर। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है
दोस्तों सिंपली फॉर्म सबमिट कर देना है, तो मैं ये सबमिट कर देता हूँ। रिन पिन अंडर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तभी ये बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, अच्छा पिन कोड, अच्छा यहाँ ये मैंने बोला था कि ये रिप्रेजेंटेटिव ये वाला खाली छोड़ना था, आपने भर दिया, कोई ना, इसमें ये टिक हो गया था। अब इसमें सीधा सबमिट कर देना है। इफ एनी डॉक्यूमेंट सबमिट कॉपी ऑफ आधार नंबर कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, ओके आई नो, और फिर सबमिट कर देंगे आप। तो आप सबमिट करेंगे तो, और फिर इसके बाद ये आपको पूछेगा, जब आप सबमिट करेंगे तो इसमें आपको ये पेमेंट करना है। दोस्तों क्या करना है, फिर आपको ये सबमिट कर देना है। और मैंने अभी आधार नंबर डाले नहीं है यहाँ पे, देखो ये आधार नंबर मेरे खाली बता रहे हैं। तो आधार नंबर डालने के बाद ये सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म, और सबमिट होने के हो जाने के बाद इसमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और आपको फिर पेमेंट करना है 107 रुपये का। 107 रुपये का पेमेंट करने के बाद ये फॉर्म के ऊपर प्रिंट का ऑप्शन दिखाएगा, तो उस फॉर्म को आप ये प्रिंट कर लेना है, मतलब उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट कर लेना है। और प्रिंट करने के बाद उसमें लेफ्ट और राइट में ऊपर ही ऊपर दो फ़ोटो आपको चिपकाना है, और दोनों फ़ोटो पे साइन करना है। उसके बाद आपने ये तीन मतलब जो डॉक्यूमेंट बोले थे ना आधार कार्ड, वो इसके पीछे अटैच करके आपको स्पीड पोस्ट करना है, मतलब पोस्ट, और पोस्ट कहाँ पे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चार इसके ये चार सेंटर हैं पोस्ट करने के, आपको इनमें से किसी भी एक सेंटर पे, तो आपको क्या करना है कि ये इसमें इसका ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है, प्लीज रीड रीड गाइडेंस, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे करना है। हाँ तो इसमें आ रहा है कि प्लीज़ रीड गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अप्लाइंग फॉर पैन कार्ड, तो इसमें इस पर क्लिक कर देना, गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखो ये चार ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब चार एड्रेस आ रहे हैं, ये है मुंबई का, ये है कोलकाता का, ये है न्यू दिल्ली का, और ये चेन्नई का। तो इन चार एड्रेस में से किसी भी, जो भी आपके पास में पड़ता हो उस एड्रेस पे आपको ये डाक से भेज देना है। तो फिर आपका 7 दिन के अंदर तो आपको पैन नंबर मिल जाएंगे, और लगभग 15 या 20 दिन के अंदर ये बन के आपके घर पे आ जाएगा पोस्ट से, जो भी आपने पोस्ट डाली होगी मतलब तो आपके एड्रेस पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। थैंक यू।